वहीं राज्यसभा सांसद नासर हुसैन ने कहा कि जानबूझकर कांग्रेस मुख्यालय को छावनी में तब्दील किया गया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। जनतंत्र टीवी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे खास बातचीत की, क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि डर किस बात का, डर किस बात का है वही हम पूछना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री को, डर किस बात का है वही हम पूछना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्यों इतना एक आदमी से आप डर रहे हैं, क्यों दिल्ली को पुलिस की छावनी बना रखे हैं, क्यों आप दिल्ली में जो है अपोजिशन पार्टीज के एमपीज को पकड़ पकड़ के ले जाके अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों आप जो है कल 15 से 20 पुलिस स्टेशनों में कांग्रेस के कार्यकर्ता को और कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट करके आपने रखा था। अगर आपको डर नहीं है कांग्रेस पार्टी से, अगर एक राहुल गांधी जी से का अगर आपको डर नहीं है, क्यों आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आज सवेरे से ही पुलिस की छावनी बना रखी है, हमारे जनरल सेक्रेटरीज को अरेस्ट कर लिए, चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट किए हैं आप लोगों ने, तो किस बात का डर है आपको? अगर आपके पास एविडेंस है तो किस बात का डर सरकार को है? लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम समर्थक सड़कों पर हैं, ये समर्थन आप लोगों का कब तक बना रहेगा, क्योंकि आज एक बार फिर से बुलाया? जब जब ये जुल्म की आवाज उठे रही है उस आवाज को हम दबाने के लिए हम सड़कों पर रहेंगे, जब जब आप जो है हम लोगों के ऊपर जुल्म चलाते रहेंगे, जब जब हम लोग सड़कों पर रहेंगे, आप जिस तरह से IT ED और CBI को इस्तेमाल करके हम लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके घोटाले जो पब्लिक स्पेस में आ रहे हैं, एक प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति को फ़ोन करके जो है दलाली का काम करते हैं, उनको फ़ोन करके वो ठेका दिलाने का काम करते हैं, जो वो बात पब्लिक डोमेन में आती है तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप इसीलिए जो है हमारे नेताओं को जो के खिलाफ IT ED और CBI का इस्तेमाल आप करते हैं। आप सुन रहे थे नासिर हुसैन जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्थिति सरकार की तरफ से बनाई गई है वो उचित नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।